भारत सरकार की केंद्रीय प्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा वाहनों का जिला स्तर पर लोकार्पण एवं फ्लॉग ऑफ समारोह कार्यक्रम शनिवार को जिला कलेक्टर परिसर में आयोजित किया गया। इसमें सभी गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे, जो कि मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले में कुल 19 मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा स्वीकृति की गई है। इसमें 5 वाहन को शनिवार को जिला के अलग अलग क्षेत्रों में रवाना किया गया। इन वाहनों में एक पशु चिकित्सक एवं अधीनस्थ स्टाफ साथ रहेगा, जो कि प्रत्येक दिन संबंधित चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगा। अन्य ग्रामों के प्रति साप्ताह शिविर आयोजित किए जाएंगे, पशुपालकों को लाभान्वित किया जाएगा। 19 अजमेर जिले के लिए यहाँ हरी झंडी दिखा के किया गया, ऐतिहासिक काम हुआ है। जो पशुपालक है उनके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि जब इंसान बीमार हो जाता है तो उनको तो हॉस्पिटल ले जाना आसान होता है, परंतु जब पशु बीमार हो जाता है तो उनको हॉस्पिटल बहुत मुश्किल होता है, नहीं तो कोई ऐसा साधन मिलता है भी नहीं है। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक ही पशु के लिए एक वरदान साबित करने के लिए उन्होंने ये पूरे देश भर में जो वहाँ घर जाके हर गांव में जाके और वहीं जो पशु बीमार होता है उसको दवाई दे, उसको ट्रीटमेंट करें, उसका इलाज हो, ताकि पशुधन जो रखते हैं पशुपालक है उनको इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। देखिए, ये कृषि प्रधान देश है और किसान के लिए दो ही आय के साधन है, एक तो कृषि है और एक पशुधन है। तो इस पशुओं के लिए जो ये जो स्कीम चालू करी है, मैं कह सकता हूँ ये वरदान साबित होगी और मोदी जी है तो मुमकिन है। 19 अजमेर जिले के लिए 19 वैन यहाँ से रवाना की गई है। रोजाना एक वैन दो गांव में जाएगी और वहाँ जितने भी जो बीमार है उनका इलाज वहीं करके आएगी। डॉक्टर्स भी रहेगा, कंपाउंडर भी रहेगा, सब साथ रहेंगे, दवाएं भी सारी रहेंगी और वहाँ हाथों हाथ वहाँ इलाज करके आएंगे। और हेल्पलाइन दिया हुआ है, वो दो दिन के अंदर वो हेल्पलाइन चालू हो जाएगी, ताकि फोन करके तुरंत बुला लेंगे तो इमरजेंसी में वहाँ भी जाएगी। पूरे राज्य में पशुपालन विभाग के लिए एक नई क्रांति आ रहा है। पशुओं की सेवा के लिए राज्य सरकार और उनकी तरफ से जो मोबाइल वेटनरी यूनिट है वो आज लॉन्च की गई है। अजमेर जिले को 19 गाड़ियां मिली है, जिसमें आज जिला कलेक्ट्रेट से ये इनका रवानगी दी गई है। ADM सर थे, माननीय सांसद भागीरथ जी चौधरी साहब थे, SP साहब थे और सुनीता जी माहेश्वरी जी भी इसमें पधारे हुए थे। सभी के द्वारा हरी झंडी दी गई इन गाड़ियों को। ये गाड़ियाँ उस इलाके में जाएगी जहाँ पशु चिकित्सा संस्थाएँ नहीं हैं, वहाँ के पशुपालकों को उनके घर पे ही एक सुविधा मिल जाएगी। पशु बीमार होते हैं तो उनको तुरंत उनका इलाज कर दिया जाएगा। इसमें एक डॉक्टर रहता है, कंपाउंड रहेंगे और मेडिसिन रहेगी सर। 1962 इनके कॉल नंबर है, जो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएंगे। और पशुपालकों को अगर उनको कोई भी जानवर उनको बीमार पड़ जाता है तो 1962 पे उसको कॉल करेंगे और ये मोबाइल वैन वहाँ पे पहुँच जाएगी सर।